नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मंगलवार को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए। नतीजे सामने आने के बाद जहां पर एक तरफ सफल अभ्यर्थियों के बीच खुशी का माहौल है, वहीं कुछ नाकाम रहने वाले छात्र भी हैं जो निराश हैं। इन नतीजों ने कई छात्रों और उनके परिजनों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए कड़े संघर्ष के बाद अपनी मंजिल पाई है, और इनमें से ही एक हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे के रहने वाले सूरज तिवारी। सूरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता दर्जी का काम करते हैं। खास बात यह है कि सूरज ने यूपीएससी की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में पास की है और उन्हें 917वीं रैंक मिली है। सूरज दिव्यांग हैं, उनके दोनों पैर और एक हाथ नहीं है और दूसरे हाथ में केवल 3 ही उंगलियां हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन सूरज ने मिसाल पेश करते हुए बताया है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सूरज की मेहनत और लगन ही थी जिसकी बदौलत उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाने के लिए सूरज 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे और उसमें भी सूरज ने ये सफलता बिना किसी कोचिंग के हासिल की है। 2017 में एक ट्रेन हादसे में सूरज ने अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिया था। 4 महीने तक सूरज का इलाज चला, घर की माली हालत भी खराब होने लगी और उसी के कुछ समय बाद सूरज के एक भाई की भी मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा परिवार दुखी था, लेकिन सूरज ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर उन्होंने अब ये सफलता हासिल की है। सूरज के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। एक्सीडेंट के बाद सूरज के आसपास के लोग और रिश्तेदार उन्हें परिवार के लिए बोझ समझने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद सूरज और उनके परिवार को पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से सूरज के हौसले ने अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। हम लोगों को भी उसकी उम्मीद पे ही हम लोगों को भी उम्मीद थी। बोलता था मम्मी, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि होगा या नहीं होगा। उसने डायरेक्ट जब से तैयारी की है तब से उसने यही कहा है कि होगा ही। मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे इतना विश्वास है अपनी मेहनत पर कि होगा ही। उन्होंने जब आप पर चले गए तो उन्होंने कहा सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर उन्होंने इसी में मतलब की लगन लगाई और कहा कुछ ना कुछ बन गए, आपको पापा दिखाएंगे। सूरज की बहन ने बताया कि उनके भाई ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। 9 से 12 तक उन्होंने मैनपुरी में पढ़ाई की है, SVRL में। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था 29 जनवरी 2017 को। उसके बाद वो JNU चले गए थे। JNU से उन्होंने रशियन लैंग्वेज से BA किया है। उसके बाद उन्होंने MA किया है। MA का अभी एग्जाम चल रहा है उनका, और इधर उन्होंने UPSC भी क्रैक कर रखा है। भैया आपके किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं? मुझे काफी अच्छे से मोटिवेट करते थे। उन्होंने बचपन से मुझे मोटिवेट किया है कि अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ बन के दिखाओ। जैसा घर का माहौल है उसके अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छे से मोटिवेट किया है। आज सूरज की कामयाबी पर सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला उन पर गर्व कर रहा है। जो लोग कल तक ताने दिया करते थे आज वही तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने बहुत कठिन संघर्ष किया अपने जीवन में। 2017 में उनके एक एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए थे। लोगों ने उनके पिताजी से जाके ये तक कहा कि पंडित जी आपका बेटा आपके ऊपर बोझ बना है, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए और बहुत कड़ी परिश्रम करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने वाले दिव्यांग सूरज तिवारी की कहानी पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।